मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर टीपू सुल्तान की योम पैदाइश आज रियासत भर में मनाया गया। चामराजपेट के रुकन असम्बली बीजेड जमीर अहमद खान ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टीपू सुल्तान की योम पैदाइश बड़े ही शानदार तरीके से मनाया। इस मौके पर बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा कि वो कोविड के नॉर्म्स की वजह से टीपू सुल्तान की जयंती यानी कि टीपू सुल्तान की योम पैदाइश को मुतवासित तरीके से यानी कि छोटे पैमाने पर मना रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 2022 में कोविड के अगर हालात सही हो जाते हैं तो टीपू सुल्तान की योम पैदाइश और बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, टीपू जयंती में आपको खुलासे से सबसे पहले मैं हमारा 270 रुपये का हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का जो है जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। ये आपने जो सवाल पूछा, ये टीपू जयंती बनाने को कोई मैका लाल रोक नहीं सकता। मैं कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। वजह इसकी खाली कर्नाटका के अंदर नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान को चाहने वाले है। पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है और इसको कोई रोक सकता नहीं। हमारे कर्नाटका के अंदर हम लोग जयंती करके बोलते हैं। ये टीपू जयंती बनाने को कोई मई के लाल के अंदर ताकत नहीं रोकने के लिए। हमारी आखिरी सांस जब तक है हम लोग टीपू जयंती बनाते रहेंगे। कोई मई के लाल में मजल नहीं है, कोई मई के लाल में मजल नहीं। और उनके कारनामे जो उनके खिलाफत करते हैं, जो टीपू हजरत टीपू सुल्तान की शहीद की जो खिलाफत करते हैं, मैं बोलता हूँ उनको, मैं आज जाना गुजारिश करता हूँ आप उनके बारे में जान लो। कभी उन्होंने जात पात नहीं की, उन्होंने हर कौम को साथ में लेके चले। जान जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ मंदिर बने, और उनकी जब कैबिनेट बनी तो 13 जन हिंदू भाई को बने, और उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट्स फाइनेंस का जो है हमारे पुनया को दिया गया। कहाँ से हिंदू के खिलाफ होते हैं लोग, और अतंत्रा कर दिए, जात में हिंदू धर्म से मुसलमान जात में लेके आए गए। ये बेवकूफ़ लोग को मालूम नहीं है, ये जो बोलते हैं, जो सियासतदान है, चंद सियासतदान, उनके फ़ायदे के लिए ये अफवाह उठा रहे कि टीपू जयंती ज़बरदस्ती करके हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में लेके आया। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद जो थे सेकुलर थे, और ये इस्लाम हमारा आया, ये हज़रत टीपू सुल्तान थे नहीं, हमारे पैगंबर मोहम्मद पैगंबर जो है ना, 1500 साल पहले हम लोग इमरान लग गए। हम लोग कभी भी एक्चुअल जो टिप्पू को जो चाहने वाले, एक खुलासा आप में मैं कर सकता हूँ, जो मुसलमान में चाहत जो हजरत टिप्पू सुल्तान के ऊपर जो है, उससे 100 गुना ज़्यादा हमारे हिंदू भाई लोग में है। ये चंद बीजेपी के, चंद आरएसएस के, उनकी पॉलिटिकल इसके लिए,
ये लोग हजरत टिप्पू सुल्तान को बदनाम कर रहे हैं। हजरत टिप्पू सुल्तान को जो बारे में जानता है, खासकर मैं बोल रहा ना हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, कर्नाटका के अंदर ज़्यादा करके हजरत टिप्पू सुल्तान को मुसलमान से हिंदू चाहने वाला है। इंशाल्लाह अभी कोविड की वजह से मैं अनाउंस भी किया 2022 के अंदर ये लोग टिप्पू जयंती हम लोग हम लोग बैंक्वेट हॉल में बना के आते थे, यानी गवर्नमेंट से। अभी हम लोग ज़माने से टिप्पू जयंती बनाते आ रहे हैं। अभी कोविड होने की वजह से थर्ड वे आने वाला है करके, वो कोविड के जो कंडीशन से उसके हिसाब से हमने किया। मेरे हिसाब से अल्लाह का फजलो करम से थर्ड वे आने जैसा नहीं दिख रहा है। अगर नहीं आया, अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, तो पूरी कर्नाटका के हम धूम एकदम शानदार तरीके से टिप्पू जयंती बनाते। कांग्रेस लीडर बीजेड जमीर अहमद खान साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के रिहाइश गाह पर पहुंचे और वहां पर टिपू सुल्तान की योम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर सिद्धरामैया ने भी टिपू सुल्तान के कारनामे, उनकी बहादुरी के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। जमीर अहमद खान ने भी कहा कि टिपू सुल्तान की यौमे पैदाइश मनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि टिपू सुल्तान एक बहादुर और मोहब्बे वतन थे। टिपू सुल्तान की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, टिपू सुल्तान के कारनामे कयामत तक याद रखे जाएंगे। टिपू सुल्तान की यौमे पैदाइश के मौके पर आज साबिक वजीर बीजेड जमीर अहमद खान ने मिंटो आई हॉस्पिटल पहुंचकर अपने आंखों का अतिया किया, यानी कि उन्होंने अपने आंखों को डोनेट कर दिया है। जमीर अहमद का कहना है कि उनके बाद भी जो है उनके आज़ा जो है दूसरों के लिए काम आने चाहिए। इस वजह से जमीर अहमद खान ने अपनी दोनों आँखों को डोनेट कर दिया है।